असल में हम कुछ आदमी मैं सबके प्यारे से मीना फैसला मेरे बच में चैनल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिली पंची एक टेंट। ये है चिली पंची डार्लिंग टेंट, इसका नाम है डार्लिंग। ठीक है, तो है इस टेंट के ऊपर आज मैं रिव्यू दूंगी जिसकी पैकिंग काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा आउटर पैकिंग दिखती है ये कुछ इस तरह से पिंकिश सी इसकी पैकिंग है। ठीक है, बड़े प्यारी सी मज़े की पैकिंग है इसकी। कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये मैंने ऑर्डर किया था इन दी शेड 05। ठीक है, इनके बाकी शेड्स भी यहाँ मैं लगा रही हूँ, ये देख लो जी, ये इनके बाकी शेड्स भी मैंने मंगवाया था 05 में। ये वाला शेड मैंने इनसे मंगवाया है और ये क्रीमी फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। ये है इनका शेड जो कि मैंने इस टाइम लगाया भी हुआ है, काफ़ी हल्का सा, यहाँ देख भी सकती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है। और मैं पर्सनली अगर सच्ची बात बताऊँ, टेंट्स इस तरह के अप्लाई करना मैं बगैर मेकअप के प्रेफर करती हूँ मोर देन ऑन मेकअप, क्योंकि मेकअप के ऊपर बंदा प्रॉपर ब्लश लगाए, मोर देन अ टेंट। टेंट लगाने का फ़ायदा ही तब है जब आप बगैर मेकअप के लगाओ, ठीक है, ताकि वो काफ़ी नेचुरल सा भी लगे, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती नेचुरल मेकअप में, कभी फाउंडेशन नहीं मैं लगाती। फाउंडेशन नहीं, जस्ट स्किन केयर किया, थोड़ा सा ब्लश लगाया अगर स्किन के ऊपर मेरे पिंकिशनेस हो तो, मतलब कि मुझे ऐसा होता है कि मेरी ना नोज रेड रहती है, या तो विंटर्स में या तो कुछ स्पेसिफिकली एरिया ना पिंक पिंक टाइप ऑफ रहते हैं, तो वो ज़्यादा पिंक होते हैं, तो वो अगर स्पेसिफिकली एक ही जगह पे हो मसला हो जाता है, या तो कहीं इधर उधर हो मसला हो जाता है। इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उससे ना इतना हाईलाइट करने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे हाथ फेर देती हूँ, और बाद में उसी टिंट को ना बस ऐसे ऐसे कर देती हूँ कि इस तरह लगे जिस तरह सारे पे टेंट ही है, या वाकई में मेकअप है ये तो वैसे ही नेचुरल सारा है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली जगह पे काफ़ी अजीब लगता है। ये मसला शायद किसी और के साथ भी हो, तो ये एक टिप भी है कि आप टेंट लगा लो तो फिर आप ज़रा अच्छे लगोगे, प्यारे लगोगे। ठीक है, बजाय इसके कि लोग सोचें एक ही जगह पर कुछ लगाए, थोड़ा सा कहीं और भी लगा लो। ये है जी इसका कलर, इसमें बाकी भी कलर आते हैं और ये मैंने मैट वाले में लिया है, थोड़ा सा शिमरी वाला भी है और बाकी भी है। इसका जो सा टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। मैं आपको भी अपने फिंगर के ऊपर भी लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है जी इसका शेड, शेड काफ़ी कमाल का है शेड। अगर रिजेंबलनेस मैं दूँ शेड को कि कौन से मेकअप लुक के शेड के साथ ये रिजेंबल करता है, तो मेरे हम सफ़र में जो हाला का मेकअप था हानिया आमिर के ऊपर, उस तरह वाला ब्लश है ये। ठीक है, तकरीबन क्योंकि मैंने उस तरह के लुक से रिलेटेड, मुझे भी वो लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मुझे भी काफ़ी था कि ये ब्लश इस तरह का हो उस तरह का हो, सर्च भी किया कि उस तरह का ब्लश कहाँ से मिलेगा, कौन से ब्रांड में होगा, लेकिन किसी ने बताया किसी को पता नहीं, किसे पता नहीं क्या चक्कर था। लेकिन खैर मैं आपको बता रही हूँ कि ये है वो वाला ब्लश जिसकी कीमत जो है जी लिखी हुई है यहाँ पे 650 रुपया, लेकिन ये मुझे सेल प्राइस में 480 रुपये का पड़ा था, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस थे जो कि अमूमन तौर पे हैं, पर वैसे भी 650 का अगर है 200 रुपये से वैसे भी डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, लेकिन सेल में ले लेना, सेल लगती रहती है इनके पेज के ऊपर। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रही हूँ और कॉमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से आप देख के बाय कर लीजिएगा कैसा। ठीक है, मैं बनूंगी आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।